13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। कौन हो तुम? सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल। तुम लोग कौन हो? हमला करो। अर्तुरुल भाई को बुला के लाओ, जल्दी जल्दी जाओ। सरदार संभालिए खुद को। अपने ही बच्चों में दुश्मनों को तलाश करेंगे अब आप? इतना परेशान क्यों हो रहे हैं कुमिश्तिकिन साहब? आप जैसा आदमी जो सलजूक महल में जिंदगी गुजार चुका हो, उसके लिए तो ये सब मामूल की बात है। साथ क्यों नहीं गए तुम नौयान के? उसी के साथ था मैं, लेकिन उसने मुझे वापस भेज दिया और कहा कि तुम जाओ। हमजा को लश्कर की कमान देकर उसने उसको सलार बना दिया। तुम्हें जल्द से जल्द मुझे मार देना चाहिए, मौका है तुम्हारे पास अभी, वरना मैं तुम्हारे कबीले में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तांगू नौयान को गंदोगदू पकड़ के ले गया। क्या बकवास है? कैसे हुआ ये? हमजा ने नौयान से गद्दारी कर दी। ये वक्त अकल से काम लेने का है उलूबिल जी। इससे पहले कि गद्दारी का ये जहर हमारे सिपाहियों तक पहुंचे, हमें अपने सिपाहियों को मुत्तहिद करना होगा। कौन होगा जो नौयान की जगह ले सकेगा? हाँ, अब कौन है जो इन सिपाहियों को मुत्तहिद करके रखेगा? इन हालात में जो भी मुमकिन हो सका वो करूंगा उलूबिल जी। ये जिम्मेदारी हम दोनों की है और हमें हर वो काम करना होगा जो लश्कर के लिए बेहतर है। तुम्हारे साथ की जरूरत है मुझे। जवानों, जमा हो जाओ। बहादुर मंगोल सिपाहियों, नौयान को तुर्कों ने यरगमाल बना लिया है, लेकिन मंगोल कभी हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि तुम सब चंगेज खान के बहादुर जांबाज हो और तुम सबकी रगों में चंगेज खान का खून है। बदला लेंगे हम उन तुर्कों से हर हाल में। नौयान तुर्कों के हाथों पकड़ा गया है, लेकिन हमें उक्ताई खान के वादे को पूरा करना है। तुर्कों को यह शिकस्त नौयान के बगैर भी देंगे। नौयान को बचाओ ताकि इन सिपाहियों की वफादारी नसीब हो तुम्हें भी। मंगोल सिपाही उक्ताई खान के लिए अपनी जान देंगे, नौयान के लिए नहीं।
अजीम खुदावन, मुझे भी ईसा इब्ने मरियम जैसी ताकत अता फरमा, उनकी तरह मेरी रूह को भी बख्श दे। आमीन। कोस्ता साहब से मुलाकात करना चाहता है कमांडर वेलेंटीन, कोई जरूरी बात करनी है। अंदर बुलाओ उसे। जल्दी बताओ मुझे, क्या खबर लेकर आए हो? आपके सारे सिपाही मौत के घाट उतार दिए गए हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे सिपाहियों को मौत के घाट उतार सके? जनाब, वो मुसलमान दरवेश अपने दिन की तबलीग कर रहा था। आपके सिपाही उसे उसकी औकात याद दिलाने गए थे। ना जाने कहां से तुर्क जंगजू आ गए और उन्होंने तमाम सिपाहियों को मौत की नींद सुला दिया। कोई सिपाही भी जिंदा ना बच सका। तो वो तुर्क थे। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। बाबा बाबा, आ जाओ बरखुदार, आओ बैठो मेरे पास। देखो काई कबीले के जंगजू आए हैं। खुश आमदीद आप सबको बहादुर सिपाहियों। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? अली नाम है बाबा, अदब अली बुलाते हैं। और आपका नाम? अर्तुरुल। आप बिल्कुल अपने नाम की तरह बहादुर लगते हैं। मेरे नाम का मतलब मालूम है तुम्हें? तुर्की लुगत में मौजूद है। तुरुल का मतलब है शिकारी, और जब अर्से मिल जाए तो इसकी बहादुरी में और भी इजाफा हो जाता है, तो इसका मतलब हुआ बहादुर और चाकू चौबंद आदमी। वाह भाई, माशाल्लाह। अली बेटा, मुझे कुछ पूछना है। मेरे नाम का भी मतलब बताओ। मेरा नाम है बमसी। हर सवाल का जवाब एक साथ नहीं मिलता। अगर आज आप रुकेंगे तो कल जवाब मिल जाएगा बमसी भाई। बिल्कुल, ये कुछ दिन हमारे मेहमान बनेंगे। अब आपसे मुलाकात हो गई है तो ये इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? जी बिल्कुल। इसकी मां के इंतकाल के बाद मैंने ही इसकी परवरिश की है। अब मेरी ख्वाहिश है कि इसे शाम भेज दूं ताकि ये मदरसे में तालीम हासिल कर सके वहां पर। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा महमूद साहब, इंशाल्लाह। और आप लोगों का यहां कैसे आना हुआ? हम एक नई सरजमीन की तलाश में हैं जहां हमारी नस्लें परवान चढ़ें। फिर तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। ये जगह आपकी आने वाली नस्लों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। ये सरजमीन बहुत जरखेज है, यहां आपके मवेशी फले फूलेंगे। आप कब से मुकीम हैं यहां और किस लिए? जनाब, हम यहां बिखरे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आए थे। अहमद यूसुफी के जलाए हुए दियों से रोशनी फैलाने की कोशिश है। उनकी तालीमात हमारे लिए मशले राह है। लोगों को आप अपनी बात पर किस तरह कायल करते हैं? लोगों के दुखों का मदावा करना पड़ता है, और यहां रहने वाले अफराद परेशान हाल हैं, बहुत दुखी हैं। बहुत जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं आप। ये आप जैसे मुबल्लिगीन ही हैं जिनकी वजह से इस्लाम की रोशनी दुनिया के कोने कोने तक फैलती जा रही है। बहुत शुक्रिया। दीन के दुश्मन भी काबू में रहते हैं आप जैसे बहादुरों की वजह से, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।
जाकर अल्लाह ने बहुत एहसान किया, अल्लाह मदद फरमाए। हमारी बेटी सलजान ने मंगोलों के खिलाफ बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया है और उन्हें दिखा दिया है कि काई की औरतें किसी से कम नहीं। बेटी, मुझे तुम पर आज बहुत ज्यादा फख्र महसूस हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका वालिदा। लेकिन सलजान के सही सलामत लौटकर आ जाने से खतरा भी टला नहीं है, क्योंकि हमारे दोनों कबीलों में अभी भी गद्दार आजादी से घूम रहे हैं। वालिदा ठीक कह रही है, कबीले में उस वक्त तक देर पाम नहीं हो सकता जब तक हम उस गद्दार को ढूंढना निकाले जिसने संगुर तक इनकी अमानत चुराई। जो गद्दार हमारे खेमों तक पहुंच सकता है वो आगे चलकर कुछ भी कर सकता है। अगर हमें चोरी की गई अमानत का नाम और अहमियत के बारे में मालूमात दी जाए तो उसे तलाश करने में हम भी मदद कर सकते हैं। सुंगुर तकिन भाई, मामला राजदारी पर हमले का है कुमुश्तकिन साहब। आप समझ सकते हैं कि ऐसा शख्स हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। अमानत चुराने वाला वो इंसान शायद नहीं जानता कि वो शैतान के हाथों का मोहरा बना हुआ है। इससे भी बढ़कर ये कि वो अहमक अपने आलाकार बनने की हकीकत से भी नावाकिफ है। हमें मैदान जंग में बेशक जीत नसीब हुई है मगर अपने कबीले के अंदर की जंग हम हार रहे हैं, और ये जंग हम उस वक्त तक नहीं जीत सकते जब तक हम अपने अंदर मौजूद गद्दारों को अंजाम तक नहीं पहुंचा देते। इस उम्र में मुझे ये पता देखना नसीब हुई है बेटा, अल्लाह तुमसे हमेशा राजी हो। अल्लाह आपसे भी राजी हो मामूजान। यहां के हालात कैसे हैं? कमांडर लोगों से किस तरह पेश आते हैं? यहां बसने वाले लोगों पर बहुत जुल्म करते हैं ये, गरीबों से महसूल के नाम पर सब कुछ छीन लेते हैं और जो महसूल अदा नहीं कर सकते उन पर जुल्म करते हैं। बाज़ंतीनी जागीरदार आवाम को अमन से नहीं रहने देते। महसूल और मजहबी फिरकावारियत की वजह से अमन अमान तबाह होकर रह गया है। कोई भी इनकी नाइंसाफियों पर आवाज नहीं उठा सकता इनके खिलाफ। क्या हुआ कोस्तास? महमूद साहब, हम गांव के कुछ लोगों के साथ आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, तुम बुला सकते हो उन्हें यहाँ, हमारे दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। यहाँ आना खतरे से खाली नहीं, अगर आप कल तशरीफ ले आएं तो और भी साथी आपसे मिलना चाहते हैं। तो ठीक है, कोई मसला नहीं। कैसी तबीयत है बाबा? तुम दोनों को साथ देखकर हर तकलीफ दूर हो जाती है बेटा। आओ बैठो, यहां तुमसे कुछ बातें करनी है। आज या कल सबका वक्त आना है, तुम्हें इस कबीले का मुस्तकबिल में सरदार बनना होगा। मुअज़्ज़िज़ीन की भी यही ख्वाहिश है बेटा, और सबसे बढ़कर गुमुश्तकिन भी यही चाहता है।
बाबा, ये वक्त इन बातों का नहीं है। यही वक्त है, यही वक्त है। गौर से सुनो मेरी बात, जब तुम सरदार बन जाओगे तो गुंडोगदू और अर्तुरुल को साथ रखना। यूं साथ चलने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अर्तुरुल ने कोचाबाज को मार दिया है, मगर गद्दार अभी खत्म नहीं हुए। भूलना मत बेटा, जब तक कबीले में गद्दार मौजूद रहेंगे तब तक अमन कायम नहीं हो सकेगा। काई जंगजू तुम्हारे भाइयों की तरह है, भूलना मत। इस इत्तेहाद को हमेशा मजबूती से कायम रखना ताकि दुश्मन कामयाब न हो सके। आखिर तुम अपने गद्दार भाई से मिल ही लिए। मैंने कभी भी उस खानदान से गद्दारी नहीं की, याद रखना। मैंने तुम्हें उगदाई खान का अहम तरीन आदमी बनाया, दुनिया भर की आसाइशें तुम्हारे कदमों में थी, और तुमने ये क्या किया? सब तबाह कर डाला, खुद को गिरा लिया उगदाई खान की नजरों में। तुम्हें मेरी सराय में मौजूदगी की कैसे इत्तला मिली, बताओ मुझे। तुम्हारे अलावा भी मेरे बहुत से जासूस हैं सुंगुर तक। जरा तहम्मुल से काम लो मेरे भाई। ये बदबख्त तो इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं। जहां तक मैं अंदाजा लगा सकता हूं नोयान, मुमकिन है ये खबर सुल्तान अलाउद्दीन के महल से उनके किसी खास आदमी ने तुम तक पहुंचाई हो। तुम्हारी जहानत का तो मैं पहले ही गिरविदा हूं गुंडोगदू। काश कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, अगर तो हम सुल्तान अलाउद्दीन के महल की ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया तो मुझे मेरा अल्लाह और मेरी नस्लें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हारी सात पुश्तें तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें बद्दुआएं देंगी। देर या सवेर मैं ये पता लगा ही लूंगा कि कौन है तुम्हारा जासूस महल में। नोयान, जो भी जासूस निकला तुम्हारा, मैं उसकी जबान खींच कर जान ले लूंगा उसकी। तुम्हारी नस्लें पर बात कर दूंगा मैं, नामो निशान तक मिटा दूंगा तुम्हारा। अब चलो मेरे भाई, चलो यहां से। तुम्हारे खेमे में रहने वाले और तुम्हारे कबीले में रहने वाली औरतें और बच्चे, उन सबको मार डालूंगा मैं। कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। काई कबीले को निशाने इबरत बना दूंगा मैं। बकवास बंद करो नोयान, तुम्हारी मौत खौफनाक होगी उन तमाम लोगों के सामने जिनके प्यारों को तुमने छीन लिया। ऐसी मौत दूंगा तुम्हें जो इबरत का निशान होगी, यहां तक कि मंगोल भी
तुम्हारी मौत को देखकर पना मांगा करेंगे और तुम अपने वजूद पर पछतावे के सिवा और कुछ नहीं कर पाओगे। जहन्नुम ही बस तुम्हारा आखिरी ठिकाना है नोयान। जहन्नुम। चलो अब हम चलते हैं। चलो सिपाहियों, कल तक तुम पर सब वाजे हो जाएगा अकलमंद आदमी। और तुम कोसोगे आज के दिन को कि तुमने मुझे आज जिंदा क्यों छोड़ा था। सुन रहे हो ना तुम मेरी बात गुंदोगदू? तरसोगे तुम आज के दिन को, बहुत पछताओगे। कितने अरसे के बाद हम सब इस तरह साथ बैठ के खाना खा रहे हैं ना हलीमा। मेरे लिए आज का ये दिन खुशियों से भरपूर है। अल्लाह ने चाहा तो ये आजमाइश के दिन भी अनकरीब गुजर जाएंगे। इसी तरह मुस्कुराती रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन सुल्तान खातून। और देखा तुमने, कुंदुकदू भाई अपनी जान पर खेलकर तुम्हें मंगोलों के जाल से छुड़ा लाए। सही कह रही हो हलीमा, कुंदुकदू ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की और मुझे बचाने आ गए। सच पूछो तो मेरी उम्मीदों से बढ़कर मेरा मान रखा उन्होंने। वाह वाह वाह, जबरदस्त खुशबू आ रही है। आपका पसंदीदा खाना बनाया है मैंने और हलीमा सुल्तान ने मिलके। अल्लाह जज़ाए खैर दे। नोयान से कोई अहम मालूमात मिली क्या? नहीं वालिदा, कल उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, वो अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। बैठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तुम अपनी किस्मत की वजह से परेशान हो गोंजा गुल बेटा? उन दोनों के दरमियान तो मोहब्बत खत्म हो चुकी थी, इन वाकयात ने मोहब्बत को दोबारा परवान चढ़ा दिया। मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे जो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्या करूं मैं आखिर, बताइए मुझे क्या करूं मैं? सब्र करो बेटी, सब्र करो। जब तुम उसके करीब हो जाओगी तो उसे तुम्हारे अलावा कोई नजर नहीं आएगा। अगर वो सलजान से जरा बराबर भी मोहब्बत करता तो तुम्हें अपनाने की हामी कभी ना भरता। खुद को संभालो मेरी बच्ची, तुम्हारे हुस्न के आगे उसे कोई नजर नहीं आएगा। देखना वो तुम्हारे इशारों का गुलाम बन जाएगा, उंगलियों पर नाचेगा वो तुम्हारी। अब जाओ उनके खेमे में और जाके बता दो उन्हें कि तुम ही असली बहू हो उनकी। मुझे नहीं बुलाया उन्होंने, कैसे जा सकती हूं मैं? तुम होने वाली बहू हो उस खानदान की, तुम्हें बुलावे की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ अपना हक जताना आना चाहिए, बहादुर बनो। वो
दरख्त इतना ऊंचा था मैं चढ़ तो गई मगर नीचे कैसे आती, मैंने रोना शुरू कर दिया, मुझे बचाओ मुझे नीचे उतारो। ये इतनी जोर से चीख रही थी कि इसकी चीखों पुकार से दरख्त के परिंदे भी उड़कर भाग गए। दूर से मैंने सुंगुर भाई को आते हुए देख लिया था, मुझे डर लग रहा था उतरते हुए तो इन्हें मदद के लिए बुलाया। लेकिन मजाल है जिन्होंने कुछ किया हो, कहने लगे खुद ही ऊपर चढ़ी हो तो नीचे भी खुद ही उतरना पड़ेगा। इन्होंने मदद की आपकी? बिल्कुल नहीं। वैसे ये सुंगूर हमेशा से जिद्दी रहा। चलो इस बहाने तुमने दरख्त से नीचे उतरना तो सीख लिया। सही, वालिदा बिल्कुल सही कह रही हैं। भाई साहब की वजह से इतना तो हुआ कि मैं दरख्त से नीचे उतरना सीख गई। बस दो उंगलियां तोड़वा बैठी तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे ही सदा खुश रहे। मैं भी आप सबके साथ शरीक होने के लिए आई थी। हाँ हाँ जरूर बैठो। वालिदा आज का दिन बहुत मुश्किल था मेरे लिए, आराम करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा तुम आराम करो। गुंदोगदू सलजान को उसके खेमे तक छोड़ाओ। जैसा आपका हुक्म वालिदा। शब बखैर। शब बखैर। गुंजगुल खातून, मैं देखती हूँ पतीली में अगर कुछ बचा हुआ है तो ले आऊँ आपके लिए। अच्छा सलजान खातून मैं अब चलता हूँ। शब बख़ैर। गुंदोगदू साहब क्या आप आज मेरे खेमे में रुक सकते हैं? वैसे भी मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बाहर आ गई हूँ मेरे खेमे में जैसे जिंदगी बढ़ा दी मेरी। नोयान की कैद में भी क्या आप जानते हैं गुंदोगदू मुझे डर नहीं लगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं जानती थी कि आप मुझे जरूर बचाने आएंगे। सलजान हमारे खेमे जरूर अलग हुए हैं लेकिन याद रखो तुम अभी भी मेरी शरीके हयात हो और हमेशा रहोगी। खुद को मेरे लिए खतरे में डाल दिया, रब का जितना शुक्र अदा करूं कम है। मैं मानता हूं मैंने तुम पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी लेकिन आज के बाद से मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। मुझे आपका साथ मिल सकता है? कैदी से बात करनी है, अंदर जाने दें मुझे।
पीछे एक बात पूछनी है नोयान। सुंगुर तकीन के पास से ऐसी क्या चीज हासिल करना चाहते थे तुम? बताओ, क्या है वो अहम चीज? तुम ये सवाल किस हैसियत से पूछ रहे हो? किसके हुक्म पर? अलाउद्दीन के हुक्म पर या सादत इन कोपेक के हुक्म पर? क्या मतलब है इस बात का? मैं तुम्हें और सादत इन कोपेक को अच्छी तरह जानता हूं, और मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि तुम दोनों किसी भी हद तक जा सकते हो तख्त हासिल करने के लिए। तुम भी पालतू हो सादत इन के, और तुम मुझसे भी ज्यादा जालिम हो सकते हो अपने मकसद को पाने के लिए। सब जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं मैं। अपनी इस नापाक जुबान को काबू में रखो सफाक इंसान। क्या हुआ, घबरा गए सुनकर? तुम मुझे जानते नहीं हो कुमश्तकिन, मुझे हकीर समझ रहे हो, क्योंकि मैं कल मौत के घाट उतरने वाला हूं। याद रखना, तुम में से मुझे कोई भी नहीं मार सकता। इस बात का तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कल। कहना क्या चाहते हो तुम? जंग तो अभी शुरू ही नहीं हुई और तुम हार चुके हो पहले ही। जो मंगोलों का साथ देगा उसकी ताकत में इजाफा हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ मैं ही वो दे सकता हूं जो तुम्हें चाहिए गुमुश्तकिन। तुम देख सकते हो कि सब कुछ जानता हूं मैं, और जब ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो ढूंढ लेना मुझे। तुम एक बेसमीर, सफाक और मजलूमों के कातिल हो, और हां, तुम्हारी इन बातों से मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। कल का सूरज तुम्हारे लिए आखिरी सूरज होगा। कल की तो कल ही देखेंगे। चकुल, क्या हुआ है तुम्हें? मुंह क्यों लटका हुआ है? जानती हैं, गुंडोक्तु को हाइमा खानम ने उस औरत के साथ भेज दिया मेरी आंखों के सामने। ये तुम क्या कह रही हो कोंचकुल? उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और उस फितना औरत के साथ चला गया वो। मैं सर्दी में उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो बाहर नहीं आया। मुझे लगता है शायद सलजान ने उसे रोक लिया अपने खेमे में। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब मुझे उस औरत से इंतकाम लेना होगा अपनी इस तस्लील का। देख लीजिएगा, उस औरत को जान से मार दूंगी मैं। सलजान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी जब तक उसकी सांसें चल रही हैं। मुझ पर सुकून का एक पल भी हराम है।
आप सो रहे थे और मैं आपको देखती रही। कुछ देर को आंख लगी तो मैंने ख्वाब में देखा कि क्या देखा? एक नीली आंखों वाला बच्चा नजर आया मुझे, जिसके सुनहरे बाल हैं। आपने उस बच्चे को मेरी आगोश में दिया और कहा, सलचान ये हमारा बेटा है, तुम इस बच्चे की पूरी तवज्जो से परवरिश करना। इस ख्वाब को ताबीर भी मिलेगी इंशाल्लाह। अब मैं चलता हूं। या रब, मुझे औलाद की नेमत से नवाज दे, चाहे मेरी जान ले ले, लेकिन मुझे औलाद की खुशी अता फरमा। औलाद की नेमत से हमें महरूम नहीं रखना मेरे पाक परवरदिगार। जी फरमाइए गुंजे गुल खातून। दरअसल मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपसे। किस बात पर? बिन बुलाए ही कल खाने पर चली आई थी मैं, मुझे लगा कि आपने बुरा माना होगा, लेकिन मेरे आने का सबब सिर्फ जलन थी मेरी। हसद हो रहा था मुझे सलजान खातून से। ये आप कैसी बातें कर रही हैं गुंजकुल खातून? सच है कि आपकी दूसरी बीवी बंदा कबूल किया है मैंने, मगर क्या करूं मैं सलजान खातून से? गुंजकुल खातून, सलजान मेरी शरीक हयात है और मैं उसे इस तरह नहीं छोड़ सकता, और ना ही मैं आपको खुद से अलग रख सकता। याद रखिएगा, हुक्म होती है आपकी हर बात मेरे लिए। शुक्रिया आपका। आपने मुझे बुलाया था हलीमा सुल्तान? तुम जानती हो कि क्यों बुलाया है? जी बिल्कुल, लेकिन मैं अपना फैसला आपको बता चुकी हूं पहले ही। मुझे अपने सरदार से गद्दारी पर मजबूर मत करें। सिर्फ हकीकत जानना चाहते हैं हम कि सलजान खातून का हार वहां मौजूद है या नहीं, और कुछ करने को नहीं कहा हमने तुमसे। मैं तो यहां अर्तुरुल साहब के एहतराम में आ गई थी, लेकिन अब बहुत हो गया, मुझे मजीद मजबूर ना करें। अगर सलजान सच्ची हुई तो? सरदार ने दुरु खातून से बेवफाई नहीं की, ये इल्जाम है उन पर। उनका कोई ताल्लुक नहीं था आयतुल्लाह खातून से जब दुरु खातून जिंदा थी। हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की, तो फिर तुम्हें ये सब किस तरह मालूम हुआ? मैं इजाजत चाहती हूं। नोयान सब जानता है, सादतीन कोपेक और मेरे बारे में भी, और ये भी कि मैं तख्ते अजीम चाहता हूं। मगर ये किस तरह हो सकता है भाई? मंगोल कारिंदे महल के अंदर भी मौजूद हैं, ना जाने और कितने गोजाबाश हमारे दरमियान भी मौजूद होंगे। मंगोल पहले ही घुस चुके हैं अनातोलिया में। आप वो मोहर सादतीन कोपेक को जल्द भिजवा दें बाबा, हम मजीद मुश्किलात में फंसते चले जा रहे हैं। ना जाने वो मोहर और क्या क्या मुसीबतें लाएगी हम पर।
इस मोहर को बड़ी हिफाजत से अपने पास रखना। नोयान का सर कलम होने के बाद मैं सादतीन कोपेक से बात करूंगा इस बारे में। इस मोहर को आप कहां छुपाएंगी? औताक में, उसी जगह जहां मैंने सलजान का हार छुपाया हुआ है। गद्दार हो तुम नोयान को मारना चाहते हो। तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। नोयान तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारा कलेजा निकाल कर कच्चा चबा जाएगा। तुम्हारी बातें हमारी समझ से बाहर हैं। तुम क्यों गुमराह कर रहे हो मासूम लोगों को अपनी बातों से? कलम कर दो, जान से मार दो इसे। हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमारे बच्चों को कातिल है।